दोस्तों, दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग यानी आईपीएल का 16वां सीजन आगामी 31 मार्च से शुरू होना है। सीजन शुरू होने से पहले चार बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। इसे जानकर क्रिकेट फैंस भी निराश हो गए हैं। दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स सीजन के पहले ही मैच में 31 मार्च को मैदान पर उतरेगी। टीम का सामना मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस से होगा। गुजरात टीम की कप्तानी भारत के धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या संभालते हैं। हार्दिक के नेतृत्व में गुजरात ने अपने पहले ही सीजन में पिछले साल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। इस बीच मंगलवार को वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर इंग्लैंड के सुपर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है। स्टोक्स के आईपीएल 2023 के शुरुआती मैचों में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेलने की संभावना है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि दरअसल स्टोक्स के बाएं घुटने में चोट है, जिसे मैनेज करने के लिए कोर्टिसोन इंजेक्शन लगाया गया है। अब वह इस चोट के गंभीर न होने देने के लिए शुरुआती मैचों में गेंदबाजी नहीं करेंगे। इससे सीएसके फैंस निराश हैं। स्टोक्स की ऑलराउंड ताकत को देखते हुए ही वह टीम का एक्स फैक्टर माने जा रहे हैं, लेकिन अगर वह केवल बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे तो टीम के अभियान को बड़ा झटका लगेगा। स्टोक्स को टीम में शामिल करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। वह एक ऑलराउंडर हैं और अब खबर है कि वह शुरुआती मैचों में गेंदबाजी नहीं करेंगे। इससे सीएसके टीम के फैंस को झटका लगा है। बता दें कि ऑक्शन में स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए मिले थे। यह नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे महंगी साइनिंग रही थी। वह पिछले सप्ताह ही भारत पहुंचे और सीजन से पहले अपने नए साथियों के साथ ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा भी बने। बाएं पैर के घुटने में लगातार चोटों से परेशान स्टोक्स न्यूजीलैंड दौरे पर 2 टेस्ट में केवल 9 ओवर ही फेंक पाए थे। इंग्लैंड को जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज भी खेलनी है। सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि स्टोक्स आईपीएल के शुरुआती मैचों में गेंदबाजी नहीं करेंगे। हसी ने कहा, मेरा मानना है कि वह बल्लेबाज के तौर पर ही खेलेंगे, गेंदबाजी के लिए इंतजार करना होगा। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल अपना कप को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।